फिल्मों में डेब्यू के लिए तैयार सैफ अली खान का बड़ा बेटा इब्राहिम अली खान बोनी कपूर की लाडली के साथ इश्क फरमाते दिखेंगे इब्राहिम। जी हाँ, सही सुना आपने। बॉलीवुड के सुपरस्टार सैफ अली खान के बड़े बेटे इब्राहिम अली खान बहुत जल्द बॉलीवुड में डेब्यू करते नजर आएंगे। करण जौहर बहुत जल्द सैफ के बेटे को अपनी फिल्म से लॉन्च करने वाले हैं। वह पिछले कुछ सालों में करण जौहर ने कई कलाकारों को बॉलीवुड में अपनी फिल्म के जरिए लॉन्च किया। इस लिस्ट में महेश भट्ट की लाडली आलिया भट्ट, डेविड धवन के बेटे वरुण धवन और बोनी कपूर की बड़ी बेटी जानवी कपूर भी शामिल है। हिंदी सिनेमा में नए चेहरों को लॉन्च करने की विरासत को जारी रखते हुए करण जौहर अब बोनी कपूर की छोटी बेटी खुशी कपूर को भी बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों से आई खबर के मुताबिक करण जौहर खुशी कपूर को सैफ के बड़े बेटे इब्राहिम अली खान के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म बनाने की प्लानिंग की है। वेल बता दें आपको, इस फिल्म की शूटिंग अगले साल से शुरू होने की उम्मीद है और इसका निर्देशन शौना गौतमी करेगी। हालांकि फिल्म को अभी तक कोई टाइटल नहीं मिला है। करण से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये उन रोमांटिक कॉमेडी में से एक है जिसके लिए हिंदी सिनेमा जाना जाता है। आपको बता दें, हिंदी सिनेमा की दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी और निर्माता बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख चुकी है। हाल ही में मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म दी आर्चीज के जरिए खुशी कपूर डेब्यू कर चुकी है। इस मूवी को लेकर खुशी कपूर इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। वेल, करण जौहर की इस फिल्म को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यकीनन तौर पर करण जौहर की मूवी से एक और स्टार किड फिल्मी दुनिया में कदम रखता हुआ नजर आ सकता है।